मुनिसिपल कार्यालय के पास कोई गुंडा दंगा करने वालों की हिम्मत नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में एक बार फिर से सत्ता वापसी का दावा कर रही बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों के बड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय विधायकों और नेताओं के खिलाफ नाराजगी झेल रही बीजेपी को तमाम स्थानों पर लोगों का विरोध देखना पड़ रहा है। तस्वीरें ऐसी हैं कि लोग पूछ रहे हैं, विधायक जी 5 साल कहाँ थे। जवाब मिल रहा है कि इस बार माफ कर दीजिएगा। आंकड़ों की बात करें तो बीते 15 दिनों के भीतर पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुए हैं। मेरठ से लेकर जालौन तक स्थानीय प्रत्याशियों को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को जालौन में वोट मांगने गए बीजेपी के एक विधायक को लोगों ने घर से खदेड़ दिया। हालत ऐसी हो गई कि विधायक को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने सवाल किया कि विधायक जी आप 5 साल तक कहाँ थे। बात यहाँ तक पहुँच गई कि लोगों को मध्यस्थता करनी पड़ी, स्थिति को संभालना पड़ा। अंत में विधायक ने हाथ जोड़कर सभी से माफी मांगी। ऐसा ही नजारा बुधवार को बुलंदशहर के सियाना इलाके में भी दिखा। स्थानीय लोगों ने बीजेपी के विधायक देवेंद्र सिंह लोधी को देखकर जमकर हूटिंग की। लोगों ने कहा कि विधायक ने 5 साल में कोई काम नहीं कराया, गांव में सड़क तक नहीं बनवा सके। ऐसी ही तस्वीर मेरठ की सिवाल खास सीट के सरूरपुर गांव में दिखी, जहां स्थानीय विधायक को वोट मांगने के दौरान लोगों की नारेबाजी का सामना करना पड़ा। लोगों ने जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए तो बीजेपी के मुर्दाबाद के नारे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विरोध की ऐसी तस्वीरों के कारण ही बीजेपी ने अब अपनी पूरी ताकत इस इलाके में झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता जमीन पर उतर गए हैं, गलियों में जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं, जैसे कोई स्थानीय विधायक नहीं पूरी पार्टी ही चुनाव लड़ रही हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 150 से अधिक सीटों पर बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी है। इस इलाके में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का ठीक ठाक प्रभाव रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके के बड़े दल आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जो बीजेपी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी है। आरएलडी जैसे क्षेत्रीय दल बीजेपी के खिलाफ इस गुस्से को अपने पक्ष में करने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं के लिए वेस्ट यूपी के तमाम ऐसे इलाकों में वोट मांगना मुसीबत का सबब बन गया है।